नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में है सबसे कम रिस्क? एक स्कीम से दूसरी में स्विच और टॉप अप दोनों करना है तो पहले क्या करना सही होगा? SWP और स्विचिंग पर क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है? और फंडनामा में इस हफ्ते हम अपने सभी एक्सपर्ट से जान रहे हैं कि सेक्टर फंड में निवेश किसे करना चाहिए और कैसे सेक्टोरल फंड चुनना चाहिए। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मॉर्निंग स्टार में डायरेक्टर फंड रिसर्च कौस्तुभ बेलापुरकर। कौस्तुभ, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया स्वाति, धन्यवाद और हमें इस शो पे बुलाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और पहला सवाल लेते हैं। दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। दिनेश जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्ते मैडम, मैंने अपना वो तो पोर्टफोलियो भेज दिया है। जी सर। हाँ उसमें एक्चुअली मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 8,000 का SIP है मेरा। और वही चल रहा है मेरा मेन, वही था 10 साल या 12 साल चल जाए तो उससे हमको 20-25 लाख रुपए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ओके, और ये पैसे आपके खुद के खर्च के लिए नहीं है दिनेश जी, राइट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हमारा जो सेविंग है, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन वगैरह मिलता है उससे खर्च चल जाता है, बाकी सब और अदर इन्वेस्टमेंट से है ये। अच्छा ठीक है, 7 फंड है पोर्टफोलियो में, खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करना इस पैसे को और करीब 10 से 12 साल है। पहले पोर्टफोलियो पर क्विकली कॉस्टो एक नज़र डाल के बता दें कि ये सही है या नहीं, या कुछ बदलाव की ज़रूरत है। जी स्वाति जी, तो नमस्कार दिनेश जी, तो आपने जो फंड जो भेजे हैं वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छे फंडों में हो चुका है, जैसे कुछ लार्ज कैप फंड है जो काफी अच्छे हैं, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, SBI ब्लू चिप, फिर आपने कुछ मल्टी कैप फंड लिए है जैसे ये स्टैंडर्ड मल्टी कैप हो गया है, फिर मिड कैप फंड भी है, एक स्मॉल कैप फंड है और एक फोकस फंड और एक हाइब्रिड फंड। तो मुझे लगता है कि ये जो मिक्स है आपके फंड्स का काफी अच्छा है और जो फंड्स भी हैं काफी, तो इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो आपका दूसरा सवाल था जिसमें कि आप 8,000 की SIP कर रहे हैं प्रति महीने और कुछ 40 महीने आप ऑलरेडी कर चुके हैं और 10 से 12 साल और रखना है, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो स्वाति जी ने आपसे पूछा कि आपके ये खर्चे के लिए नहीं है, ये आपको बस ये जमा पूंजी इकट्ठा करनी है 10-12 साल के बाद, क्योंकि ये पोर्टफोलियो जो है वो ऑलमोस्ट पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो है, तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है बीच में, पर 10-12 साल का जैसा आपका होराइजन है, आपका समय है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो है। और अगर आप ये SIP करते जाएं और इसको हाथ ना लगाएं तो ये आराम से आपका जो टारगेट है 20-25 लाख हो सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 40 महीने का कर चुके हैं और 10-12 साल करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मेरे बस एक सुझाव और है कि अगर आप ये 8,000 से थोड़ा 5% प्रति साल अगर आप बढ़ा सके तो 400 रुपया 8,000 से 8,400 वैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा सके तो जमा पूंजी और बड़ी हो जाएगी, अगर आप आपके एक्सपेंसेस से मैनेज कर सके तो। पर बाकी तो मुझे सब एकदम बढ़िया लग रहा है, तो आपको कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इन्वेस्ट निवेश करते जाइए और ये फंड भी एकदम ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिनेश जी, तो निकलने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, निकलने की जरूरत अभी नहीं है, ऐसा कोई सलाह कौस्तुभ ने नहीं दिया है। पैसे कोई जरूरत नहीं है हमको खास, जो है हमने कहा वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए डाला हुआ है। नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, और आपका अगर 10% का रिटर्न भी मान के चले तो ऑलरेडी 3 साल आपने निवेश किया है और 10 साल और 40 महीने हो चुका है अभी। हाँ मतलब वो मोटा मोटी 3.5 साल 3 महीने के आसपास निकल के आ रहा है, और 10 साल अगर और भी निवेश करते हैं तो 10% रिटर्न के लिहाज से करीब 25 लाख, 12% से के लिहाज से करीब 30 लाख, तो आपके जो लक्ष्य है उससे थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर दिख रहा है होता हुआ, संभावना है, हम ये नहीं कह रहे कि हो ही जाएगा, संभावना है, लेकिन थोड़ा बफर और क्रिएट करना है, तो कोशिश कीजिए कि हर साल थोड़ा थोड़ा निवेश अगर और बढ़ा सके तो बेहतर होगा। ओके,
हेलो, हाँ जी, हाँ, एक निप्पन बैलेंस फंड है, हाँ, वो उतना ज्यादा फायदे नहीं दिख रहा आज की तारीख में। आपने ये पोर्टफोलियो में भेजा इक्विटी हाइब्रिड तो आपने लिखा है अपने पोर्टफोलियो? हाँ, इक्विटी हाइब्रिड वाला जो है, बाकी सब में तो प्लस है, वो लगभग माइनस ही है 1,000 रुपए अभी भी 40 महीने बाद की। सर वो हर फंड का एक साइकिल होता है, तो कभी वो निगेटिव में जाएगा कभी पॉजिटिव में होगा, लेकिन लंबे वक्त में वो इवन आउट हो जाता है सर। अच्छा, थैंक यू मैडम। चलिए अगला सवाल लेते हैं, भूपेंद्र व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते, मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ जी, बताइए। आए मेरे पास 30,000 यूनिट्स हैं HDFC 1140D सीरीज 1 के जी, नवंबर 2017 में लिया था मैंने ये। अच्छा, और न तो मैं इसको बेच पा रहा हूँ, न ही उसका कोई प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है। तो आई डोंट नो इफ आई वांट टू रिडीम इट या इसको सेल आउट करना, तो ना तो मुझे मालूम पड़ रहा है कैसे करूं, या इज इट एडवाइजेबल टू होल्ड इट फॉर सम टाइम। तो लास्ट 2-3 महीने में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है ये, बट आई एम नॉट स्टिल गेटिंग द डिजायर्ड रिटर्न्स एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड। सर एक बात बताएं भूपेंद्र जी, आपको जब ये फंड आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया होगा, किसी ने खुद से खरीदा? हाँ, जब ये नया आया था तभी मैंने मेरे पोर्टफोलियो मैनेजर को कहा था खरीदने के लिए, दे बॉट इट फॉर मी। आपको मालूम था ये ओपन एंडेड फंड है या क्लोज एंडेड फंड है? आई रियली डोंट नो, आई थिंक इट्स अ क्लोज एंडेड होगा ये। तो आपके सवाल का जवाब आपके पास ही है, लेकिन कॉस्ट तो बताइए, क्यों नहीं बेच पा रहे हैं इस फंड को ये जी? तो अगर आप ये फंड जो भूपेंद्र जी ने बताया है वो एक्चुअली क्लोज एंडेड फंड है जैसे आपने बताया, तो इसका टेन्योर कुछ 1,140 दिन का था। तो ये 2017 में श्योर हमने जब डेटा चेक किया तो जनवरी 2021 में वो मैच्योर हो जाएगा। अभी तो वो नहीं बेच सकते हैं, बट अभी बस मैच्योरिटी आने ही वाली है तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, तो उन्होंने बोला कि वो रिटर्न इतना खास नहीं आया है, तो उस वो क्या है कि ये जो फंड है वो हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड था जो इन्वेस्ट कर रहा था अपॉर्चुनिटीज अराउंड द हाउसिंग सेक्टर में इक्विटी रिलेटेड स्टॉक्स में, और हमें पता है 3 साल में मार्केट का काफी उतार चढ़ाव हुआ है, इसलिए फंड ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। बट जैसे उन्होंने बोला कि लास्ट 2-3 महीने में जैसे मार्केट ऊपर गया है ये फंड ने ठीक ठाक किया है, पर अभी जब मैच्योर हो जाएगा, वो दूसरा बहुत ही अहम चीज है कि अभी उनको क्या करना है नेक्स्ट, इन्वेस्ट करें वापस, कैसे इन्वेस्ट करें, वो उनको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा जो भी प्याइस है, क्योंकि जो उनका टाइम होराइजन रहेगा वैसे फिर उनको यू नो डेट फंड या इक्विटी फंड में वो वैसे सोच के इन्वेस्ट करना पड़े। अगर शॉर्ट टर्म होराइजन है 3 साल से कम है तो बिल्कुल इक्विटी फंड में मत कीजिएगा, डेट फंड कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का इस्तेमाल करके वहां कीजिएगा। अगर 5 से 10 साल का होराइजन है तो वापस वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ओपन एंडेड फंड में कीजिए। तो जब भी आपको अगर बेचना पड़े तो आप बेच सकते हैं, निकल सकते हैं उस फंड से। तो एक तरह से ये एक सेक्टोरल फंड था और क्लोज एंडेड फंड था, और चांसेस इस बात के ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर कौस्तुभ कि रिटर्न बहुत अच्छे शायद ही देखने को मिले। एक सवाल यहाँ पे, ये क्लोज एंडेड फंड अब हालांकि बहुत ज़्यादा लॉन्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आए थे ये, किस तरह के निवेशक के लिए, क्या सोच के इसे लॉन्च किया जाता था और इसके पीछे का लॉन्च के पीछे की वजह क्या थी? तो दो टाइप के ये क्लोज एंडेड फंड होते हैं, एक तो पूरा जो उसको फिक्स मैच्योरिटी प्लान बोलते हैं जो ऑलमोस्ट यू नो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करता है और एक फिक्स टाइमलाइन होता है और वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद, और वो जैसे कोई FD इन्वेस्टर हो उनके लिए एकदम बेहतरीन होता है। पर ये जैसे आपने बोला काफी कम हो गया है, क्योंकि अभी तो जैसे आपके ओपन एंडेड फंड आप उसमें ही डाल सकते हैं, कभी भी पैसे डाल सकते हैं। जो है जैसे इस तरीके का फंड है क्लोज एंडेड इक्विटी फंड है, इसमें क्या होता है और कभी कभी क्या लॉन्च हुए हैं कि निवेशक कभी कभी मार्केट का उतार चढ़ाव देख के डर जाते हैं। हमने देखा अगर कोई इन्वेस्टर होता, नया इन्वेस्टर होता मार्च में, जैसा मार्केट गिरा 40-50%, कोई इन्वेस्टर डर के पैसे निकाल देता तो उसका जैसे मार्केट वापस ऊपर गया है वो उसका पूरा लॉस हो जाता। तो ये
एक्सटेंडेड फंड्स एक तरीके से वो थोड़ा इन्वेस्टर जो बिहेवियर है वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप ये फंड बेच नहीं सकते हैं, तो आपका एक्विटी वो लॉक इन हो गया. बट क्या होता है कि अगर उस पीरियड में जितना पीरियड है वो क्लोज एंडेड फंड का, अगर वो मार्केट ऊपर नीचे गया पर एंड में बस फ्लैट रहा, जैसे लास्ट तीन साल में ज्यादा नहीं बढ़ा है, अभी लास्ट दो महीने में बढ़ा, तो उसके पहले तो फ्लैट ने तो नेगेटिव था, तो से फिर आपको कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं आता है. तो इसलिए मैंने पूछा कि अगर आगे आपको पैसे का क्या करना है, कितना टाइम होराइजन है, अकॉर्डिंगली उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ओके, तो भूपेंद्र जी अभी आप कुछ नहीं कर सकते, हालांकि ये फंड एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं लेकिन वहाँ लिक्विडिटी ना के बराबर होती है, तो आप वहाँ पर भी बेचने अगर जाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा सफलता आपको शायद ही मिले. और सभी निवेशक के लिए यहाँ पर एक टेक अवे ये है कि जब आप निवेश करते हैं तो प्लीज़ चेक कर लीजिए कम से कम कि वो क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड फंड है, और दोनों का फ़र्क समझिए उसके बाद निवेश करें. अगला सवाल दीपक कुमार जी का लेते हैं. सवाल ये दीपक कुमार जी गया से हैं और इन्होंने अपना सवाल ईमेल के ज़रिए भेजा है. जानना ये चाहते हैं कि किस तरह के फंड में सबसे कम रिस्क होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट, बैलेंस्ड और कोई अदर टाइप है तो बताइए. अभी इनका जो इन्वेस्टमेंट है SBI फोकस्ड इक्विटी में है और चाहते हैं इसको स्विच करना लो रिस्क फंड से. तो इक्विटी में तो रिस्क होता ही, अब हमें मालूम था, इस साल हमें ये भी समझ में आ गया कि डेट में भी रिस्क अच्छा खासा होता है. तो सबसे कम लेकिन रिस्क किस में हुआ? जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम सवाल है जो दीपक कुमार जी ने पूछा है कि रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में होता है, किसी में कम रिस्क होता है और किसी में ज्यादा, और उससे भी ज्यादा रिस्क होता है. तो जो कम रिस्क जो फंड है, जैसे आपने बोला फिक्स्ड इनकम जो डेट फंड्स है, उसे हम लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स बोलते हैं, उनमें से कम रिस्क रहता है. और डेट फंड्स में ज्यादा से ज्यादा क्या रिस्क होता है कि जो हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट किया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आपका जो बॉन्ड का वैल्यू है वो कम हो जाता है. पर फंड्स में वो इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ही कम रहता है. और दूसरा जिसके बारे में आपने बात की कि क्रेडिट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क जो आया था अर्लियर इन द ईयर, वो बहुत ही कम लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स में रहता है. तो सबसे लीस्ट रिस्क लिक्विड ओवरनाइट फंड्स में रहता है, बट ये भी जानना जरूरी है कि फिर उनका रिटर्न भी वैसे कम होता है. जैसे आप रिस्क बढ़ाते जाएंगे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ेगा, बट रिस्क बढ़ता रहता है. और इसलिए आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप सोच लें कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं. और रिस्क होता है, रिस्क समझें कि एकदम साधारण भाषा में रिस्क क्या होता है कि आपने अगर निवेश किया है तो उसका जो वैल्यू है वो कम हो सकता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके एंड ऑफ द पीरियड में आपका कम निवेश के पूंजी से कम पैसा मिले. तो वो रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क. ओके, ऑलराइट. तो दीपक कुमार जी अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप सही, अच्छी बात यह है कि आप ये समझ रहे हैं कि रिस्क होता है और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और इसलिए आप स्विच करना चाहते हैं. सभी निवेशक अपनी रिस्क एपेटाइट, इसलिए कहते हैं अपनी रिस्क एपेटाइट देखिए, उसके हिसाब से फंड का सिलेक्शन कीजिए. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हमारी पूरी होगी. बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ. जी बिजनेस पर देखिए एक्सपर्ट्स का एक्सक्लूसिव और कॉर्नर, तो वागले का वन करेंगे कमाल. सदा आ रहे सेठी साहब, जय का होगा जैक टॉप शेयर बेस्ट पैनल. बिग ओनली पवित्र गोमूत्र और गोमाता. मैं डे हम गहने देते 50-100 में नहीं लीजिए, लेकिन ये नहीं पता The largest corrupt. ने ने हाँ बेटी, एक आसमान. Facebook कमीन. आपको रोगों से लड़ने की पूरी ताकत देता है. लिए थे. पगार में एडजस्ट कर लेता. तुझे सब याद रहता है. पगार बुक रख का हिसाब. पगार बुक लगाओ, बिजनेस बढ़ाओ. म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन
म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट कौस्तुभ बेलापुरकर। अगला सवाल लेते हैं, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। नमस्ते सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं कांदीवली बॉम्बे से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरा सवाल ये कि जो हम लोग फंड म्यूचुअल फंड में कभी भी स्विच करते हैं या तो सिस्टमेटिक विड्रॉल बैंक के अंदर स्विच करते हैं तो जो गेन होता है वो टैक्सेबल होता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें इतना टैक्स भरेंगे तो कुछ फायदा ही नहीं रहता है ना। बताइए SWP या फिर स्विचिंग, दोनों में टैक्स लगता है कि नहीं लगता है कॉस्टो? जी स्वाति जी, तो जैसे जितेंद्र जी ने पूछा है कि SWP जो है बेसिकली वो होता है कि ऑलमोस्ट एक पार्ट आप रिडीम कर रहे हो आपके फंड का, जो सेल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, तो उसमें टैक्स लगता है। और स्विच भी जो होता है एक फंड से दूसरे फंड में, तो वो भी पहले सेल होता है और फिर दूसरे फंड का परचेज होता है, तो वो सेल ट्रांजैक्शन पे भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। और जानना जरूरी है कि कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे काम करता है और क्या टाइम पीरियड होता है। तो जब आप इक्विटी का देखें तो लेस देन वन ईयर, एक साल के नीचे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15% का होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक साल से ज्यादा निवेश करने के बाद, बेचने के बाद, तो 10% होता है, पर पहले 1,00,000 पे टैक्स नहीं लगता है। दूसरा जो होता है वो जो डेट फंड्स होते हैं उनमें टैक्सेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 3 साल के बाद चालू होता है। तो अगर आपने 3 साल के पहले बेचा तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा और वो लगेगा जैसे आपका टैक्स ब्रैकेट हो, वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड। तो अगर आप अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में होंगे 30%, तो 30% का टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म। पर जो लॉन्ग टर्म है वो एक्चुअली काफी अच्छा है। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने बोला है 20% विद इंडेक्सेशन। अभी इंडेक्सेशन क्या, ये क्या चीज है? इंडेक्सेशन बेसिकली बोलता है कि आप अगर आपने 100 रुपए में खरीदा है और आप 3 साल बाद अगर 125 में बेचने जाए तो 25 रुपए आपका प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल गेन्स नहीं है। वो 100 रुपए का इंडेक्स कॉस्ट देखेंगे और 3 साल का जो इंडेक्स कॉस्ट इंडेक्स लगाएंगे तो वो 100 रुपए का 115 या 120 जो भी इंडेक्स कॉस्ट है वो होगा, और उसी के डिफरेंस में कैपिटल गेन्स 20% देना पड़ेगा। तो आपका एक्चुअली टैक्स काफी बच जाता है by long-term capital gains with indexation in fixed income funds. So actually taxation इतना बुरा नहीं है जो Indian funds में दिया हुआ है, as long as you hold it for the right, अगर आप time horizon ठीक से रखें तो कोई problem नहीं। जितेंद्र जी। हाँ मैडम बोलिए। सर तो टैक्स तो लगता है सर दोनों ही केस में, अगर आप स्विच करते हैं तो भी और अगर आप SWP करते हैं तो भी। ठीक है, थैंक यू मैडम, नाइस ऑफ यू। यू आर वेलकम सर। अगला सवाल लेते हैं दीपक मंगलानी जी का। ये भी अच्छा, इनका सवाल टैक्स पे नहीं है, इनका सवाल ये है कि ये स्विच करना चाह रहे हैं एक फंड से दूसरे फंड में। जानना ये चाहते हैं कि पहले मैं स्विच करूं या फिर मैं, और साथ में टॉपअप भी करना चाह रहे हैं, तो दोनों में से पहले क्या करना इनके लिए ठीक रहेगा ताकि कोई किसी तरह का कोई नुकसान इनको ना उठाना पड़े। कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए हालांकि कॉस्ट ऑफ यहाँ पर। जी बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अगर उनके पास फंडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है तो टॉप अप का एप्लीकेशन डाल दें, वही फंड हाउस में है तो फोलियो ऑलरेडी बन चुका है और वो एट द सेम टाइम स्विच का भी ट्रांजैक्शन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ भी कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होगी इनको भी कि जब ये स्विच करेंगे तो इनको ख्याल रखना है कि आप एक निवेश बंद कर रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वही वैसे जैसे हमने बताया पहले कि स्विचिंग पे आपको टैक्स लगेगा क्योंकि वो सेल ट्रांजैक्शन और उसके बाद परचेज होता है, तो वैसे वो टैक्स का वो उनको देख के ही करना चाहिए। जी सभी दर्शकों के लिए हम बता दें कि स्विचिंग जो एक वर्ड आता है निवेश में, वो स्विच ऐसा नहीं होता कि आपने यहाँ से उठाया एक जगह से, एक फंड से निवेश निकाला और स्विच कर दिया दूसरी जगह पे। यहाँ पर आप एक्चुअली एक फंड ए है तो वहाँ पर अपना निवेश बंद कर रहे हैं, वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं और उसको फिर फंड बी में आप निवेश कर रहे हैं।
तो ये हमेशा एक निवेश बंद करना और एक निवेश शुरू करने की प्रक्रिया होती है। इसको हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बोलचाल की भाषा के लिए स्विचिंग वर्ड इसको दिया हुआ है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। चलिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंडनामा में इस हफ्ते अपने एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सेक्टोरल और थीमेटिक फंड ये किस तरह के निवेशक के लिए सही होता है। और इस पूरे साल कौस्तुभ हमारे पास बहुत सवाल आए थे सेक्टोरल फंड के, क्योंकि अगर आप रिटर्न के लिहाज से देखिए जो हमेशा एक निवेशक वही चेज करता है, तो जो टॉप एक साल में सेक्टोरल में जो टॉप थ्री परफॉर्मिंग कैटेगरी है उसमें सेक्टोरल सबसे पहले ऊपर आया है। उसमें एक फार्मा, टेक्नोलॉजी और एनर्जी 63%, 49%, 33.32%। अब ऐसा रिटर्न देखने के बाद और तो निवेशक ज़रूर सोचेगा कि मेरा लार्ज कैप या इक्विटी डाइवर्सिफाइड या मिड कैप इतना रिटर्न नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं सेक्टोरल या थीमेटिक। आप बताएं कि ये सोच कितनी सही है और कैसे सेक्टोरल फंड को देखना चाहिए। जी स्वाति जी, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात डिस्कशन पॉइंट है, क्योंकि आपने एकदम सही बोला कि हर साल जब आप देखेंगे तो कोई सेक्टोरल फंड टॉप रिटर्न देगा, पर अगर आप साल हर साल देखें तो वही सेक्टर नहीं रहेगा, दूसरा नया नया सेक्टर आता रहेगा। और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कभी एज एन इन्वेस्टर या फंड मैनेजर कोई भी हो, वो कभी पूरे एक सेक्टर में पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि यही रिस्क है कि आप जब हम डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि मार्केट ऐसा अजीब प्राणी है कि हमें पता नहीं कि अभी कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा। अभी इन शॉर्ट टर्म में जैसे 2020 की आपने बात की, हेल्थ केयर या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा किया है, पर अगर आप पिछले दो तीन साल पहले का देख ले तो ये हेल्थ केयर 2019 तक कहीं भी नहीं जा रहा था, टेक्नोलॉजी एक बार ऊपर जाके वापस नीचे आया थोड़ा, तो यही प्रॉब्लम है कि आप सेक्टर का जो साइकिल है आप फंड मैनेजर भी पिक करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अगर इंडेक्स हो तो वहां पे अंडरवेट ओवरवेट सेक्टर कॉल लेंगे, पर ऐसा कभी नहीं करेंगे कि उन्होंने 100% हेल्थ केयर में डाल दिया या 100% टेक्नोलॉजी में डाल दिया, वो कभी नहीं होगा क्योंकि आप कभी वो साइकिल प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन्वेस्टर को कभी सोचना है कि अगर मैं कौन से सेक्टर में सेक्टर फंड अगर लेना ही है, तो पहले तो वही इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए जो थोड़ा एनालिसिस करके सोच पाए कि अच्छा अभी ऐसा हो सकता है कि ये वाला सेक्टर काफी नीचे डाउन टर्न से गया, अभी ऊपर चढ़ सकता है क्योंकि ये इकोनॉमिकली अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास एनालिसिस करने का उपयोग है तो फिर आप शायद सोच सकते हैं, पर अगर आप वो भी करना चाहते हैं, मेरा रिकमेंडेशन रहा कि हर सेक्टर में 5% से ज्यादा ना ले, और मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो में 10% से, तो अगर दो सेक्टर ले तो 5-5 से ज्यादा ना ले, क्योंकि ये बहुत रिस्की होते हैं। आज ये वाला सेक्टर चल रहा है, कल दूसरा सेक्टर चलेगा, तो पास रिटर्न देके तो बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही हानिकारक होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो मैक्सिमम 10% अपने पोर्टफोलियो में आप ले सकते हैं सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में एक्सपोजर, लेकिन वहां पर ध्यान रखिए कि पास रिटर्न देख के आपको नहीं चुनना है। अगर आपको उस सेक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया है, आप ये समझ सकते हैं कि अब किसका साइकिल नेक्स्ट अच्छा चलने वाला है, तो वहाँ पर आप निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है, सवाल जहाँ आपको भेजना है वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि नाम और नंबर, सही नंबर ज़रूर लिखिए। कभी कभी अपने सवालों के साथ फीडबैक भी हमसे शेयर करें इस शो के बारे में। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।